भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा 18 तारीख को रात में उनके घर पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और हमले के साथ साथ में उन्होंने कई लोगों से जो है अपील की, पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में भी अभी तक नरेंद्र कुमार वर्मा जी, अभी तक आपने पुलिस अधीक्षक को जो है ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में क्या मिला वहाँ पे, क्या बताया गया आपको, क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी। कोतवाल साहब से हमारी बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा FIR के लिए बोला है, लेकिन अभी तक कोई ना FIR, कोई पुलिस वाला घर तक नहीं पहुंचा अभी तक। क्या आपको लगता है इससे पहले कभी आपकी दुश्मनी थी उनसे या कभी कोई रंजिश हुई थी पुरानी लेकर के? क्या पुरानी रंजिश हमारी, एक जो गांव का मौजूदा प्रधान है उससे पुरानी रंजिश रही थी हमारी। तो आपने अगर जिला प्रशासन को किसको आपने ज्ञापन दिया था और किस समय की घटना है, आपको लगता है कि कितने लोग वहां पे आए होंगे जिनसे आपने? करीब 6-7 लोग थे। मैं तो उस समय मौके पे घर के अंदर नहीं था, मैं गांव में ही दूसरी जगह पे बैठा हुआ था। तो हमारे पास फोन किया गया घर से, तो हमने वहीं से बैठे बैठे पुलिस को फोन किया, तो पुलिस तुरंत आ गई, तो सब लोग भाग गए थे मौके पे, हमें तो मिले नहीं वो लोग। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस आने के बाद में वो लोग आने के बाद में फिर भाग गए थे, और जैसे ही पुलिस चली गई थी उसके बाद फिर पुलिस वाले आ गए थे, क्या उसका क्या मतलब? अब यही समझा जाए कि ये लोग बहुत काफी दबंग हैं, क्योंकि पुलिस जाने के बाद में तुरंत ये फिर ये लोग जो है दोबारा आए और ऐलानिया धमकी देते रहे कि जब तक हत्या नहीं कर देंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है, आपकी जान को खतरा है, तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या प्रशासन से? तो हम यही कहेंगे कि जो है प्रशासन हमारी मदद करे, शासन प्रशासन, और जो है इनको मुकदमा लिख करके जेल भेजे। अठारह तारीख की घटना, क्या अभी तक जो है आपके वहाँ पे अभी पुलिस नहीं पहुँची है या ज्ञापन दिया था, उसका क्या मामला? अभी तक कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया गया है, प्रार्थना पत्र देने के बाद में अभी तक कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया गया है। केवल रात्रि में फोन पर जो पुलिस पहुँची उसके बाद में अभी तक कोई नहीं पहुँचा। क्या जैसे कि आप ये किसान नेता के जो संगठन में जैसे कि जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी कोई रंजिश तो नहीं है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, इसकी अगर कोई रंजिश हो सकता है, लोग जलने वाले जलते भी हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। जी, जलने वाले लोग जलते भी हैं ऐसी। जी जी, क्या जी जी आप क्या बता सकते हैं कि यदि जो भी अज्ञात लोग आए थे, क्या आप उनको पहचानते हैं किसी को उसमें, या कोई जानने वाले? उसमें से दो लोगों की पहचान हुई है, कुछ लोग गांव वाले देखे ठीक थे, और हमारे घर पे जैसे वाइफ और जो लोग थे वो दो लड़कों को पहचाने, बाकी तो नहीं पहचान पाए। यदि अगर जो इस पे उचित कार्रवाई नहीं, अगर उचित कार्रवाई नहीं हो रही, तो हमारा ऊपर से राष्ट्रीय लेवल से भी कार्यकारिणी बोल रही कि हम धरने पे बैठ जाएंगे आकर के लखीमपुर में। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र कुमार वर्मा।